हेलो गाइज, कैसे आप सब। तो आज गाइज मेरे बाल कर्ली है, तो इन कर्ली बालों की मैंने स्टेप कटिंग कराई थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखें। तो गाइज इन पे मैं लगाने जा रही हूँ अभी एलोवेरा। तो ये मैं छत पे आ गई हूँ, तो इसमें गाइज देखें कितना बड़ा एलोवेरा का पौधा है मेरे पास। तो गाइज ये पौधा हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी है स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए। तो गाइज हमने इसमें से एक चौड़ी सी डंडी एलोवेरा की तोड़ ली है। अब हम इसको तोड़ के इसको बीच में से हम कट करेंगे। कट करने का कारण यह है क्योंकि इसके अंदर है जेल, जो हमें जेल हमें चम्मच या चक्कू के हेल्प से हम इसके अंदर से जितना भी लिक्विड है जेल ये सब आसानी से निकाल सकें। तो गाइज इसमें कुछ गाँठी भी निकल रही है, ध्यान से देखना, ये गाँठी निकली है, कुछ जेल सा भी निकला है। तो इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे या किसी चॉपर में आप ग्राइंड कर सकते हो, ताकि ये घोल जो ये गाँठी सी है ना ये पूरा जेल में बदल जाए और हम इजली इनको बालों में लगा सकें। तो ये घर का सबसे घरेलू और आसान नुस्खा है। इसको बिल्कुल ही हम आप घर में ट्राई कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते। और साथ ही गाइज सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसकी जो पत्तियों पर थोड़ा सा जेल रह गया था, उस जेल को हम हाथों पे, स्किन पे, सब जगह अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि ये डार्क सर्कल, कील, मुहासे इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मतलब कि रौनक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज अब हम इसको जो पूरा जो जेल था हमने मिक्सी में चॉपर में ग्राइंड किया था, इसको हम हाथों की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से हम इसको इजीली बालों में लगाएंगे। तो गाइज इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लगाना है ऊपर से। अगर आप चाहे तो आप जड़ों में भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, ताकि हेयर फॉल कम से कम हो, हेयर फॉल ना हो। और साथ ही गाइज इसको लगाने का सबसे आसान और बेहतरीन और सस्ता और टिकाऊ इलाज है बालों को सिल्की स्मूथ बनाने का, हेयर फॉल को रोकने का। तो गाइज इसको लगाना है सिर्फ हमें 20 से 25 मिनट तक। अब हम इसको धोने जाते हैं और इसको शैम्पू से हम धो लेंगे पहले। तो गाइज ये धोने के बाद देखिए गाइज ये बिल्कुल ही सिल्की स्मूथ हो चुके हैं मेरे बाल। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बाय।